यहाँ दुनिया खत्म हो रही है और एक सिरे पे फोन निकले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव तो है माहौल, बट ऐसे माहौल में एक फोन निकालना मेरे ख्याल से ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो ऐसे तरक्की होगी, तभी ऐसे आगे चीजें चलेंगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी तभी तो दुनिया का भला होगा, बढ़िया चीजें होगी। OnePlus 8 और 8 Pro निकालने हैं अभी, प्राइस में काफी बड़ी तब्दीलियां हो गई हैं। 699, 799, 899, 999 डॉलर्स। मैं देख के एक सेकंड के लिए थोड़ा हिल गया था। अभी जो OnePlus 7 का करंट प्राइस है वो 27 के अराउंड आपको मिल जाता है, और जो OnePlus 8 निकला उसका प्राइस ऑलमोस्ट मतलब डबल से हल्का सा कम बोल सकते हो, 25,000 ज्यादा है। और जो OnePlus 8 Pro है और जो 7 Pro में प्राइस डिफरेंस है वो भी अराउंड 25,000 से 30,000 का है। OnePlus ने अब सोच लिया राह बदलने का टाइम आ गया है, ये वैल्यू वाला क्या चोंच ले इसको भटाओ। मेरे हिसाब से काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं पुराने OnePlus के फ़ोन्स यूज़ करता था ना, तो उसमें हमेशा क्या होता था कि मतलब ठीक है ऑन पेपर काफ़ी अच्छा था और काफ़ी चीज़ों में अच्छा था, परफॉर्मेंस में भी अच्छा था, बेसिक जो यूजेज थी उसमें अच्छा था, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो ऑफकोर्स मतलब आपको प्राइस मेंटेन करने के लिए ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कम घटा के देनी पड़ती हैं, जैसे ऑडियो की जो क्वालिटी थी वीडियो के टाइम पर वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, कैमरा कॉम्पिटिशन से थोड़ा कम ही रहता था, और भी छोटी मोटी चीज़ें थी। तो इस बार काफ़ी सारे अपग्रेड्स हुए, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ एक बार। ऑफ कोर्स मेरे पास फोन भाई है नहीं हाथ में, लॉकडाउन चल रहा है। 3 मई तक जब आएगा तब खरीद के आप लोगों के लिए मस्त वीडियो बनाएंगे, बट ऑन पेपर भी एंड्रॉइड फोन्स का एटलीस्ट काफी अच्छा आइडिया लग जाता है बेसिक चीजों का। सबसे पहली चीज, आंखों को ऐसा एकदम मस्त चकाचौंध करने के लिए डिस्प्ले चाहिए होता है, उसके लिए 120 हर्ट्ज वाला एक पैनल डाला है इन्होंने जो AMOLED वाला है, जो इस प्राइस पॉइंट पे मतलब सब कुछ चाहिए चाहिए ये नहीं होता तो दिक्कत वाली बात होती। और इसके साथ एक बिंदी लग के आ रही है, आप लोग सोचोगे पहले उठ उठ के आ रही थी चीजें, उसका क्या हुआ, सारा ट्रांसफॉर्मर वाला सामान कहाँ गायब हो गया, पता नहीं क्यों मन करा उनका कुछ चेंज करते हैं। बाकी सारे डिजाइन एक्चुअली काफी ज्यादा सिमिलर है पुराने वाले से, तो मेरे को ये लग रहा है कि उनको लग रहा होगा कि भाई अब कुछ तो अलग करना है, तो एक फ्रंट में एक बिंदी लगाते हैं नहीं तो लोगों को लगेगा सेम सेम है, तो मेरे को देख के ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, बट ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को पर्सनली जो उठ के आता कैमरा वो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि पूरी स्क्रीन चिकनी चिकनी और बढ़िया सी रहती है। OnePlus 7 Pro की स्क्रीन मेरे को काफी अच्छी, और भी छोटे छोटे जो छिड़काव हुए हैं, एक 5G है, वायरलेस चार्जिंग है और IP68, सारे नंबर एकदम सारे फेंक दिए एक ही एक, एक बार में। 5G 4G का बड़ा भाई है इन्फॉर्मेशन पॉव। आप लोगों को लग रहा होगा तो मैं तो 4G यूज़ करता हूँ, 5G का क्या काम है। 5G के जो बैंड्स हैं वो 4G पे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस पर हमने पूरी वीडियो बना रखी है। फिर अगर आप इंडिया में हो तो आपको थोड़ा बेटर रिसेप्शन मिलेगा, आपकी वाईफाई की स्पीड थोड़ी बेटर हो जाएगी और आपकी डेटा की स्पीड थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो 5G का थोड़ा बहुत तो फायदा रहता है, बट एकदम जब तक 5G आ नहीं जाता तब तक ऐसे फुल मजे नहीं आ पाएंगे, या फिर नेक्स्ट वाले के लिए वेट कर सकते हो, 6 महीने बाद आएगा 80 प्रो प्लस अल्ट्रा मैक्स एडिशन मैक्लेरन वाला। कैमरे की बात करें, कैमरा एक ऐसी चीज है जिसने मेरे को काफी ज्यादा सरप्राइज कराया इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर जो सेंसर है वो इस टाइम पे सारे फ्लैगशिप से अगर आप कंपेयर करोगे S20 अल्ट्रा से आईफोन से सबसे बड़ा सेंसर इस टाइम पे इस वाले स्मार्टफोन में। OnePlus 8 Pro की बात कर रहा हूँ, उसमें एक मेरे को काफी सही चीज ये लगी कि एटलीस्ट जो पुरानी दिक्कतें थी उन पे शायद हो सकता है थोड़ा गौर किया गया, अभी मैंने देखा नहीं है, बट काफी सारी इम्प्रूवमेंट्स जो अब फोन थोड़ा ऐसे परेशान कर देता है कभी कभी। और मैं पिछले 3 साल में जितने भी OnePlus के स्मार्टफोन आए मैंने सारे यूज़ करे हैं, और सब में ना दिक्कत ये होती है कि यूजेबिलिटी में कुछ फ्लॉज रहते हैं, और जैसे माइक्रोफोन की क्वालिटी रहती थी वो इतनी बढ़िया नहीं है। इस बार मैंने एटलीस्ट प्रेजेंटेशन में देखा है माइक्रोफोन एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, और जो फ्रंट वाला भी है वो भी हल्का सा इम्प्रूवड है, इतना कुछ खास तगड़ा नहीं है ऑन पेपर भी, और डिटेल भी मतलब पता नहीं ठीक ठाक हो सकता है आ जाए, अभी टेस्ट करके पता चल पाएगा। और बैक साइड वाले को टेस्ट करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये वाला ना सोनी ने स्पेशली ओप्पो के लिए बनाया था, बट ओप्पो OnePlus भाई भाई हैं, अपना घर की खेती पीछे से उठाया अपना लगा दिया चिपका दिया, ये और कोई लगा नहीं सकता ये वाला सेंसर, तो ये भी बात है। DxO मार्क वाले भी देते रहते हैं रेटिंग वेटिंग, बट मेरे को ना यार अपनी आंखों पे ज़्यादा विश्वास है, जो मेरे को सामने बढ़िया फोटो दिखती है वही बढ़िया कैमरा होता है नंबर देख के मेरे को कोई ऐसे मज़ा नहीं आता। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले सेंसर के लिए, बता रहे हैं कि इनकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट है,
बट मेरे को बहुत ही ज्यादा डाउट है उसमें, क्योंकि मैं वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, दो फोन्स हैं जिनकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट इन क्लास होती है, एक गूगल पिक्सल रहता है और उससे हल्का सा बेटर मेरे को सबसे बेस्ट जो क्वालिटी रहती है वीडियो की वो आईफोन्स में लगती है, उसके बाद सैमसंग और फिर बाकी सारे फ़ोन आते हैं, सैमसंग के भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट फोटोज़ में ऐसा नहीं है, फोटोज़ में काफ़ी कंपेरेबल रहते, तो मेरे को ये लगता है बेस्ट होगी, बट तब भी टेस्ट कर लेंगे। जिसमें बैटरी है वो 4500 mAh के अराउंड है और बैटरी 30 वॉट मतलब फास्ट चार्जिंग है इसमें। वन प्लस के पास है इससे तेज चार्जर बट इसमें नहीं दिए गए, इसका क्या रीज़न हो सकता है या आप कुछ ही महीने बाद पता चलेगा। मेरे को पूरा विश्वास है 80 प्रो में आई मैकलेरन वाला कोई एडिशन भी हो उसमें और तेज आ जाएगी, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, 30 वॉट वाला भी ठीक है, ऐसा कुछ डाउनग्रेड सा नहीं है क्योंकि काफ़ी फास्ट ही होता है। मेरे हिसाब से यार फ्लैगशिप अगर फ़ोन है तो उसमें जो बेस्ट है वो सारा डाल देना चाहिए। इन दी एंड अगर मैं सारा मान मसाला ऐसे एकदम ऐसा लेके जोड़ दूं और आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं कि क्या हो सकता है, क्या भविष्यवाणी करी जाएगी, तो ये है कि भाई फ्लैगशिप्स में ना आप स्पेक्स देख के जज करोगे ना फ़ोन को, हमेशा धोखा खाओगे क्योंकि आईफोन के स्पेक्स बहुत ही बेकार रहते हैं और ऐसे जो सैमसंग वाले भी फ़ोन्स हैं उसमें भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा से इन्फ्लेटेड ही नहीं होती। उसमें 108 मेगापिक्सल वाला जूम वाला है वो खाली दिखाने का है, जो एक्चुअल प्राइमरी कैमरा है जिससे फोटो आप खींचोगे वो अभी भी 12 मेगापिक्सल का है, तो स्पेसिफिकेशन ऐसे ऑन पेपर देखने में ना कभी कभार ऐसे धोखा दे देती है और फ्लैगशिप्स में जो एक्सपीरियंस होता है ना और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि मतलब फोटो खींचते टाइम हल्का सा जिटर तो नहीं हो रहा है या फिर फ़ोन स्टेबल है कि नहीं, कहीं कुछ स्क्रैच तो नहीं आ रहा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है क्योंकि भाई इतना महंगा फोन जो आप लेते हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर चीज एकदम परफेक्ट होगी, और पिछला एक्सपीरियंस वन प्लस का थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है बट इस वाले से मेरे को काफी ज्यादा होप लग रही है, देखते हैं भाई कैसा रहेगा, आप लोगों के कमेंट में बताना भाई कैसा लग रहा है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ कमेंट में लॉकडाउन में भाई आप लोगों से बातचीत कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।